नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का 14वें दिन का युद्ध चल रहा है। द्रोणाचार्य सेनापति हैं, द्रोण पर्व है। अर्जुन उस सकट चक्र व्यूह के अंदर घुस गए हैं। सकट चक्र व्यूह का निर्माण किया था। गुरु द्रोणाचार्य मुख्य द्वार पे थे, आगे कृतवर्मा थे, उससे आगे जितने योद्धा हैं उन सभी योद्धाओं को किसी को पराजित करते हैं और किसी को हम लोग भेज देते हैं। चलिए बाहर आते हैं, जहां गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, पांडव पक्ष के सारे सैनिक उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो भी अगर इस सकट व्यूह के अंदर प्रवेश कर जाए तो हो सकता है कि कहीं अर्जुन की किसी प्रकार से मदद कर पाए। ऐसे में सबसे आगे दृष्टद्युम्न और शतानिक थे। दृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने जो भयंकर युद्ध प्रारंभ किया, संजय इसका वर्णन करते हुए महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, राजिन कदाचिन अस्माभिर दृष्टम तांद्रग न च श्रुतम। ये जैसा युद्ध हुआ है हे महाराज, आज तक हम लोगों ने ना तो ऐसा युद्ध कभी देखा और ना ही कभी ऐसे युद्ध के बारे में हम लोगों ने सुना था। गुरु द्रोणाचार्य जिस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, दृष्टद्युम्न भी उसी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तथैव सर्ववर्षाणी द्रोणो वर्षति पार्षदे तथैव सर्ववर्षाणी दृष्टद्युम्नोऽप्य वर्षते। जिन जिन शस्त्रों का, जिन जिन दिव्यास्त्रों का गुरु द्रोणाचार्य प्रयोग करते हैं, दृष्टद्युम्न भी उन्हीं के शिष्य हैं। उन्हीं सारे अस्त्रों का प्रयोग करते हुए और गुरु के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन भी हैं, लेकिन अर्जुन कभी गुरु द्रोणाचार्य को मारने का विचार नहीं कर सकते हैं, जबकि दृष्टद्युम्न का तो जन्म ही गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ है। वो गुरु जरूर है उनके, लेकिन अगर दृष्टद्युम्न का सबसे बड़ा कोई शस्त्र यहां पे है तो गुरु द्रोणाचार्य। ऐसे में इनके बीच का जो युद्ध है ना, वो एक के अस्तित्व का युद्ध है और एक की शक्ति का युद्ध है। दृष्टद्युम्न और पांडव सेना ने जब वहां कौरव सेना पे भयंकर आक्रमण किया है, त्रिधा सैन्यम अभिद्यत, तो वो पूरी सेना तीन भागों में बट गई है। कौरवों की सेना जो वहां पे आगे खड़ी हुई थी वो तीन भागों में बट गई। थोड़े दौड़ करके कृतवर्मा की शरण में चले गए कि भाई आप हमारी रक्षा करो। कुछ दौड़ते हुए जलसंध जो है उसकी शरण में चले गए हैं, और कुछ योद्धा जो है गुरु द्रोणाचार्य के पीछे हैं। इस प्रकार से कौरव सेना तीन भागों में विभक्त हो गई है। संजय कहते हैं, तावकानाम परेशाम चा युद्धताम भरतर सब, इतना भयंकर युद्ध चल रहा है लेकिन ना तो आपके पक्ष का कोई योद्धा या कोई सैनिक और ना ही पांडव पक्ष का कोई योद्धा या कोई सैनिक वहां से पीठ दिखा करके हटने के लिए तैयार नहीं है। सभी अपनी पूरी शक्ति के साथ, एक बार मार पड़ जाती है, एक बार घायल हो जाते हैं, तो फिर से तैयार होके, फिर से सन्नद्ध होके, फिर से तत्पर होकर के युद्ध में लग जाते हैं। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, भागने की तो बात ही जाने दीजिए। ऐसे में जब कौरवों की सेना तीन भाग में विभक्त हो गई तो जलसंध के ऊपर भीमसेन ने आक्रमण किया, और जो कृतवर्मा हैं उनके ऊपर युधिष्ठिर ने आक्रमण किया, और गुरु द्रोणाचार्य और दृष्टद्युम्न के बीच में तो युद्ध चल ही रहा है कि जो ये सेना है, अगर किसी प्रकार से हम इसको रास्ते से हटा पाए तो हम अंदर प्रवेश कर जाए। तो जलसंध के ऊपर भीमसेन, कृतवर्मा के ऊपर युधिष्ठिर, और गुरु द्रोणाचार्य और दृष्टद्युम्न का तो युद्ध चल ही रहा है। इतना भयंकर युद्ध हुआ है, गृद्धा कंका वका सेना वायसा जम्बुकास्त, ये जितने मांस भक्षी प्राणी हैं जैसे उनके लिए पार्टी हो गई है। एकदम चारों तरफ बिल्कुल ताजे ताजे रक्त से लथपथ, जिनके मांस ही मांस दिखाई दे रहे हैं, और ये सभी प्राणी जो मांसाहारी हैं वो वहां पे आ आ करके अपना आनंद ले रहे हैं।
बड़ा ही भयंकर वर्णन यहां पे महर्षि वेदव्यास करते हैं। और फिर जब ये युद्ध पराकाष्ठा पे पहुंचा तो पराकाष्ठा पे पहुंचने पे मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आप अत्यंत आवेग में आ जाते हैं तो फिर वहां सारी मर्यादाएं टूट जाया करती हैं। ऐसा ही यहां रणभूमि में हुआ है। दृष्टद्युम्न जो है वो अपने घोड़ों को लेकर के बिल्कुल गुरु द्रोणाचार्य के घोड़ों के साथ में सटा देते हैं, यानी गुरु द्रोणाचार्य के घोड़े और दृष्टद्युम्न के घोड़े जो हैं वो एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर गए। दृष्टद्युम्न ने जैसे ही मौका देखा कि वो गुरु द्रोणाचार्य के रथ के बहुत पास पहुंच गए हैं तो बस जो नहीं करने जैसा था ऐसा परम पराक्रम उन्होंने दिखा दिया है। हाथ में खड्ग लेकर के और हाथ में ढाल लेकर के वो वहां से अपने रथ से कूद के धनुष बाण को छोड़ करके और गुरु द्रोणाचार्य के रथ के ऊपर चढ़ गए। एक पैर उनका गुरु द्रोणाचार्य के रथ के जिसके साथ घोड़े बंधे रहते हैं उस लकड़े पे है और एक पैर तो गुरु द्रोणाचार्य के लाल कलर के एक घोड़े की पीठ पे उन्होंने रख रखा है। और इस स्थिति में अपना बैलेंस बनाते हुए दृष्टद्युम्न का प्रयास है कि किसी प्रकार से खड्ग से गुरु द्रोणाचार्य का सिर उतार दिया जाए, लेकिन तभी गुरु द्रोणाचार्य एक साथ ऐसे बाण धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं जो नजदीक आए हुए योद्धा के ऊपर भी प्रहार कर पाए। समझिएगा, कुछ बाण ऐसे होते हैं जो दूर तक ही मार कर सकते हैं, पास में आप उनको चला ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनको खींचने के लिए उतनी जगह चाहिए, अगर आप खींच नहीं पाएंगे तो वो अपना असर नहीं दिखाएंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने वो स्पेशल बाण चढ़ाए हैं अपने धनुष के ऊपर और फिर थोड़ा सा ही उनको खींच करके छोड़ने पे भी जो ऐसी मार करते हैं कि शत्रु के परखच्चे उड़ जाएं। उन बाणों से दृष्टद्युम्न की पहले ढाल को काट दिया है और जो उनके हाथ में तलवार थी उस तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुरंत ही दूसरे बाणों का प्रयोग करते हुए उनके जो घोड़े हैं, उनका जो सारथी है, उनका जो ध्वज है, उनका जो छत्र है, सबके गुरु द्रोणाचार्य ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर वैसे कह तो ये दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कि मैं दृष्टद्युम्न को नहीं मारूंगा, लेकिन आज अथास्मै त्वरितो बाणम अपरम जीवतांतकम, उन्होंने अपने धनुष पे जिससे दृष्टद्युम्न के प्राण लिए जा सकते हैं ऐसा एक बाण चढ़ा लिया है। आकर्ण पूर्ण चिक्षेपे वज्रम वज्र धरो था। और अब चूंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि तलवार टूट गई है और ढाल भी टूट गई है, घोड़े सारथी सब चकनाचूर हो गया है, तो दृष्टद्युम्न स्वाभाविक है कि गुरु द्रोणाचार्य के रथ से कूद के नीचे आ गए हैं। ऐसी स्थिति में गुरु द्रोणाचार्य ने इस बाण को कान तक खींच करके और दृष्टद्युम्न के ऊपर उसका प्रहार किया है, लेकिन तभी सात्यकी अपने 14 बाणों से उस बाण के टुकड़े टुकड़े करके और दृष्टद्युम्न को गुरु द्रोणाचार्य के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति वचन तो देता है लेकिन मैंने कहा कि जब पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो फिर सारी मर्यादाएं टूट जाया करती हैं। अगर दृष्टद्युम्न बिल्कुल गुरु द्रोणाचार्य का मस्तक काटने के लिए उनके पास पहुंच गया है तो ऐसा तो नहीं है कि गुरु द्रोणाचार्य बैठ जाएंगे कि लो भैया हमारा मस्तक काट लो। अपने प्राणों की रक्षा के लिए बनते सभी प्रयत्न करेंगे और वही प्रयत्न यहां पे गुरु द्रोणाचार्य ने किए हैं। और उन प्रयत्नों के तहत अगर ये बाण दृष्टद्युम्न को लग जाता तो उसके प्राण चले भी जाते तो इसमें फिर मर्यादा का भंग नहीं हुआ करता है। लेकिन सात्यकी ने 14 बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े करके और गुरु द्रोणाचार्य का वो प्रयत्न जो है निष्फल कर दिया है। सात्यकी का ये प्रहार गुरु द्रोणाचार्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। वो तुरंत ही अपने रथ को सात्यकी की तरफ मोड़ देते हैं। इधर सात्यकी भी गुरु द्रोणाचार्य की तरफ अपने रथ को लेकर के ये भी बिल्कुल अर्जुन की तरह श्वेत अश्व वाले रथ पे सवार होते हैं। और फिर एक भयानक युद्ध गुरु द्रोणाचार्य और सात्यकी के बीच में शुरू होता है। दोनों योद्धा
हजारों बाण एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि एक गुरु है और एक गुरु के शिष्य का शिष्य है, सात्यकी अर्जुन का शिष्य है। और गुरु द्रोणाचार्य जैसे अभिमन्यु को देख करके आनंदित होते थे, इसी प्रकार से सात्यकी के पराक्रम से भी वो आनंदित तो होते हैं। देखिए यही इस युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है। यहां शत्रु को देख करके या शत्रु के उत्तम पराक्रम को देख करके शत्रु को ईर्ष्या नहीं होती है, उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। और ये अनुभूति गुरु द्रोणाचार्य और जिनको की शत्रुता नहीं है, जो युद्ध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके कर्तव्य का एक भाग है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अंधारी कृते लोके द्रोण सेन ययोह सरे, इन दोनों के धनुष से छूटे हुए बाणों से पूरे वातावरण में अंधकार फैल गया है। वैसे तो ये दोपहर का समय है, मैं आपसे कहना भूल गया, जब दृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का युद्ध शुरू हुआ है तो ये दोपहर का समय हुआ है। समय यानी सूर्य जो है अभी मध्य की स्थिति पे पहुंचने की तैयारी में है। आप ये मान सकते हैं कि अब सात्यकी और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में जब युद्ध चल रहा है तो ये मध्यान्ह का काल है। लेकिन दोनों की बाणों की वर्षा से स्थिति इस प्रकार की खड़ी हो गई है कि जैसे पूरा सूर्य ही आच्छादित हो गया हो, पूरा वातावरण अंधकारमय हो गया है। नाराचई व्यति विद्धानाम शराणाम रूप माव हो आसी विष विदष्टानाम सर्पाणि भारत, दोनों के द्वारा छोड़े हुए वो जो बाण है वो शत्रुओं का भयंकर रूप से संहार कर रहे हैं। दोनों तरफ की सेना का भयंकर संहार हुआ है इसके बीच में। न सात्यकी कम है और गुरु द्रोणाचार्य तो गुरु हैं, दोनों के बीच में फिर वही कि जिन अस्त्रों का प्रयोग गुरु द्रोणाचार्य करते हैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके सात्यकी उनके इन सभी प्रकार के प्रयत्नों को निष्फल बनाते हैं। और सात्यकी जब किसी शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य उसको निष्फल बनाते हैं। एतद अस्त्र बलम रामे, सात्यकी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का शस्त्र बल या तो राम में पाया जाता या कार्तवीर अर्जुन में पाया जाता या भीष्म के अंदर ये बल देखा गया है, इसके अलावा और किसी योद्धा के अंदर, अर्जुन का नाम भी है धनंजय, और किसी योद्धा के अंदर इस प्रकार का इन शस्त्रों का ज्ञान और इन शस्त्रों का इस प्रकार का प्रयोग देखा नहीं गया। लाघवम वासवश्य, गुरु द्रोणाचार्य जब सात्यकी का हस्त लाघव देखते हैं कि अरे वाह, कब बाण उठा, कब धनुष पे चढ़ा और कब वो छूटा, कब कौन से मंत्र का उच्चारण हुआ और किस मंत्र से किस बाण को अभिमंत्रित किया गया और कब दूसरा बाण उस धनुष के ऊपर आ गया, पता ही नहीं चलता है। इस हस्त लाघव को देख करके तो शास्त्र विदाम श्रेष्ठा तथा देवा सवा सवा, गुरु द्रोणाचार्य और सभी देवता और सभी लोग जो इस युद्ध को देखने के लिए आकाश मार्ग में एकत्रित हो गए हैं वो सब इसको देख करके अत्यंत आनंदित होते हैं। लेकिन हर चीज की एक पराकाष्ठा होती है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये देखा कि ये सात्यकी तो कुछ ज्यादा ही चमत्कारी हुआ जा रहा है तो उन्होंने सात्यकी को मारने के लिए आग्नेयास्त्र चढ़ा दिया है धनुष के ऊपर। लेकिन जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया है, युयुधान ने भी दिव्यमस्त्रम उदयक्षत वारुणम समुदयरत, वारुणास्त्र का प्रयोग किया है और वो आग्नेयास्त्र और वरुणास्त्र दोनों आकाश में जाकर के इस प्रकार से टकराए हैं कि उन दोनों की टकराने के बाद पूरा वातावरण जैसे देदीप्यमान हो गया अग्निबाण से। और फिर जब वरुणास्त्र उसके ऊपर जाकर के टकराता है तो चारों तरफ वातावरण में एक प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार का अंधकार फैल गया, क्योंकि जो प्रकाश हुआ था वो प्रकाश एकदम से शांत हो गया है। तब युधिष्ठिर, भीमसेन और दूसरे पांडव गुरु द्रोणाचार्य और सात्यकी के बीच में आ जाते हैं। और इस प्रकार से कोई भी योद्धा जिसमें नहीं विजयी हुआ वो युद्ध पूर्ण हो जाता है। चलिए वापस चलते हैं अर्जुन के पास। अर्जुन का रथ जहां से जिस रास्ते से निकल रहा है, जो भी बीच में आ जाता है, बस वो सीधा यमलोक का राहगीर बन जाता है। यत्र यत्र रथो याति
पांडवस्य महात्मना तत्र तत्रैव दीर्यन्ते सेनास्तत्र विशाम्पते। संजय कहते हैं जहां से उनका रथ जाता है आपकी पूरी सेना वहां बिल्कुल जैसे जमीन के ऊपर बिछ जाती है, इतना भयंकर संहार कर रहे हैं। लेकिन तभी अर्जुन के घोड़े जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, वो बहुत थक गए हैं, उन्हें भूख लगी है, उनको प्यास लगी है। कृष्ण जब घोड़ों की ये स्थिति देखते हैं तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभी तो दिल्ली बड़ी दूर है, अभी तो हम आधे मार्ग में भी नहीं पहुंचे हैं। यहां से जो जयद्रथ है वो तो काफी दूरी पे है, और ऐसी स्थिति में अगर ये हमारे घोड़े थक जाएंगे तो हम वहां तक फिर नहीं पहुंच पाएंगे, इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। जब तक कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये बात चल रही थी तब तक अवंती देश के दोनों योद्धा विंद और अनुविंद उनके घोड़ों को थका हुआ देख करके कि इस समय जैसा चाहेंगे वैसा कृष्ण इन घोड़ों को नहीं चला सकते हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। इधर जैसे ही अर्जुन ने इस स्थिति को देखा वो अपना हस्त लागव दिखाते हुए भल नामक बाणों का उपयोग करके ज्येष्ठस्य चा सिरह काया छुर प्रेण निकृंतत, उनके घोड़ों को मार देते हैं और छुरप्र नाम का बाण चला करके उसके मस्तक को उसके शरीर से अलग कर दिया। अपने बड़े भाई बिंद को इस प्रकार से पृथ्वी पे गिरते हुए देख करके अनुबिंद को भयंकर गुस्सा आता है और वो हाथ में गदा लेकर के सीधा दौड़ता है और आओ देखा ना ताओ श्री कृष्ण के मस्तक पे उस गदा से उसने प्रहार कर दिया है। ललाटे मधुसूदन, जैसे ही कृष्ण के मस्तक पे उसने गदा का प्रहार किया है अर्जुन से ये बात सहन नहीं होती है और अर्जुन तुरंत ही षड्भिर छह बाणों का प्रयोग करते हैं और दोनों हाथ दोनों पैर और गर्दन उनके टुकड़े टुकड़े करके शरीर को छह भागों में बांट करके और पृथ्वी पे अनुबिंद को गिरा दिया है। इस प्रकार से अवंती देश के ये दोनों महान योद्धा विंद अनुबिंद आज अर्जुन का शिकार बने हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि बात तो सही है, ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे घोड़ों को लेकर के तो नहीं चल सकते हैं, ये तो हमें नहीं पहुंचाएंगे। अरे भाई अगर गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो जाए तो गाड़ी आपको लेके कैसे जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्या योग्य लगता है। अर्जुन कहते हैं कि मैं रथ से उतर के इस पूरी सेना को रोक लूंगा, आप उसकी चिंता रहने दो, आप एक बार इन घोड़ों को तैयार कर दो। अर्जुन इतना कहकर के रथ से नीचे आ गए हैं। अब देखिए अर्जुन अगर रथ से नीचे खड़े हुए हैं पैदल हैं तो फिर तो सारे कौरव पक्ष के योद्धा ये समझ के कि इदम छिद्रम इति ज्ञात्वा धरणीस्थम धनंजय, पृथ्वी पे खड़े हुए धनंजय को देख करके ये तो बहुत बड़ा छिद्र है, यानी ये एक बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ हमें लेना चाहिए। सारे एक साथ आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण के बाद क्या होता है इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत के 14वें दिन का युद्ध चल रहा है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।